तो हाँ दोस्तों, देखा जाए तो 15,000 के अंदर फोन तो काफी सारे हैं, जिसमें से कुछ स्मार्टफोन 4G है, कुछ स्मार्टफोन 5G है, लेकिन ज्यादातर लोग 15,000 के अंदर एक 5G फोन बाय करना चाहते हैं। और आप भी उनमें से एक हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने आपके लिए टॉप 3 बेस्ट 5G फोन फाइंड आउट किए हैं 15,000 के अंदर, जो आपको रियली में काफी पसंद आने वाले, क्योंकि इन सारे फोन के अंदर आपको पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा विद मल्टीपल 5G बैंड्स के साथ, और मल्टीमीडिया लवर्स को 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी, और बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जर और कैमरा लवर्स को एक अच्छा कैमरा सेटअप भी मिल जाएगा। और मैंने इन सारे फोन्स को नंबर 3-1 रैंक वाइज ऑर्डर किया है अकॉर्डिंग टू हर प्राइस और स्पेसिफिकेशन। तो बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन से, क्योंकि बहुत से ऐसे स्मार्टफोन यूजर जिनको 15,000 के अंदर एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन बाय करना है, तो मैं उन लोगों को 15,000 के अंदर सैमसंग A14 5G को स्ट्रांगली रेकमेंड कर सकता हूं। तो चलिए स्टेप स्टेप डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले से कुछ बेसिक फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी के बारे में पहले जान लेते हैं। तो ये फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है और इसके बैक में आपको लेजर पैटर्न टेक्सचर डिजाइन दिया गया है, और इस फोन का वेट 200 ग्राम है, तो ये फोन आपको यूज करते समय हैवी फील नहीं होगा। और इसके डिज़ाइन की बात करें तो ये फ़ोन डिज़ाइन वाइज दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, और सैमसंग लवर्स को इसका डिज़ाइन भी काफ़ी पसंद आने वाला है। और इसके कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें तो ये फ़ोन 5G के 7 बैंड्स को सपोर्ट करता है, और आप इसमें 2 सिम कार्ड एक माइक्रो SD कार्ड एक ही टाइम पर यूज़ कर पाओगे। और इसमें आपको 3.5mm का जो जैक और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो ये तो हो गया इसके कुछ एडिशनल फीचर्स, चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.6 इंचेस की FHD प्लस IPS डिस्प्ले दी गई, जिसपे काम करते 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसके डिस्प्ले में दी गई है। इस फोन में आपको IPS डिस्प्ले दी तो गई, बट इसके डिस्प्ले में कलर्स काफी अच्छे और शार्प आते हैं, तो मल्टीमीडिया लवर्स इसके डिस्प्ले में मूवी या वेब सीरीज को काफी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। बट इसके डिस्प्ले में यू नॉच के बदले पंच होल मिल जाता तो ज्यादा बेटर होता, और हमें 15,000 के प्राइस सेगमेंट पे पंच होल तो मिलना ही चाहिए था। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको इसमें 5,000 mAh की बैटरी दी गई, जिसमें आपको आराम से 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, बट बॉक्स के अंदर आपको कोई अडेप्टर नहीं दिया गया, वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसमें Exynos 1330 का 5G चिपसेट दिया गया है, जो एक 5nm बेस प्रोसेसर है, जिसका एंथ्रो स्कोर 4,00,000 के एवम देखने को मिल जाता है। वैसे तो सैमसंग के फोन गेमिंग फोन तो नहीं होते, बट आप इस फोन के ऊपर PUBG को हाई सेटिंग पर वेरी इजीली रन कर पाओगे बिना कोई लैग फील कर पाए। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और वही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ कैमरा, जो किसी काम के नहीं होते हैं। और सामने के और आपको यू लॉन्च में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई, और आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। इस फोन का मैक्रो और डेप्थ कैमरा तो किसी काम के तो नहीं है, बट इस फोन के मेन कैमरा में पिक्चर्स काफी नेचुरल और शार्प आते हैं, और इसका कैमरा डिटेल को भी अच्छे से कैप्चर कर लेता है, और इसकी सेल्फी भी काफी अच्छी काम करती है। और वैसे भी सैमसंग के स्मार्टफोन के कैमरा काफी अच्छे होते हैं। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसके 664 का प्राइस 16,500 पड़ता है, लेकिन बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को 15,000 पे बाय कर पाओगे, या यदि आप ऑफर अप्लाई नहीं कर सकते और आपको 15,000 के अंदर एक सैमसंग का फोन लेना, तो आप सैमसंग F23 5G को बाय कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और मेरे इस लिस्ट पे सेकंड नंबर पे आता है Redmi Note 12 5G। और Redmi के नंबर सीरीज के स्मार्टफोन काफी वैल्यू फॉर मनी होते हैं, और ये भी फोन अपने प्राइसिंग पे बेस्ट है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले इसके कुछ बेसिक फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं। तो ये भी फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है, जो दिखने में काफी स्टाइलिश और प्रीमियम लगता है, और इस फोन का वेट 188 ग्राम है, और इसके थिकनेस भी 7.9mm की है। तो डिजाइन के साथ साथ इस फोन की इन हैंड फील भी काफी कमाल की है। और इसके कुछ बेसिक फीचर्स की बात करते हैं, इस फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर और 3.5mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है, और IP53 की रेटिंग, और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और ये Redmi का फोन है, तो आपको इसमें IR ब्लास्टर भी दिया गया है, जिसके हेल्प से आप घर के TV या AC को कंट्रोल कर पाओगे। तो गैस ये थे इसके कुछ बेसिक फीचर्स, चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके
डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई जिस पे काम करती है 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसके डिस्प्ले में दी गई है। डिस्प्ले वाइज देखा जाए तो ये फोन एक्चुअली में काफी इंप्रेसिव है और मल्टीमीडिया लवर्स को इसका डिस्प्ले भी काफी पसंद आने वाला है, जिसपे आप मूवीज या वेब सीरीज को काफी अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको इसमें 5000 मिलियन एमएएच की बैटरी दी गई जिसमें आपको आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और इन द बॉक्स आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया जो इस डिवाइस को 1 घंटा 20 मिनट के अंदर फुल चार्ज भी कर देगा। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का पावरफुल गेमिंग चिपसेट दिया गया है और ये प्रोसेसर 6 NM पे बेस्ड है जिसका एंट्री स्कोर 3,70,000 के एमएएफ देखने को मिल जाता है। और आप इस प्रोसेसर को स्नैपड्रैगन 695 के ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हो जिसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस टॉप नॉच की मिल जाएगी। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। और सामने और आपको पंच होने 13 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई और आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। आप इसके मेन कैमरा और इसकी सेल्फी से दिन के समय अच्छी डिटेलिंग के साथ पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे, बट नाइट फोटोग्राफी के लिए इसका कैमरा बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में तो इसके 664 का प्राइस 15,500 पड़ता है अमेजोन के ऊपर। तो गाइस मेरे से लिस्ट पे फर्स्ट नंबर पर आता है पोको X4 प्रो 4G और ज़्यादातर 15,000 वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको प्लास्टिक की बॉडी मिलती है, बट इस फोन में आपको प्रीमियम ग्लास पैक दिया गया है। और इस फोन का वेट 205 ग्राम है। और इसके कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें 3.5mm का ऑडियो जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है जिससे ये स्मार्टफोन दिखने में काफ़ी ग्लॉसी और प्रीमियम लगता है। और इसमें आपको 5G के 7 बैंड्स दिए गए और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया और इसके 664 का प्राइस 15,000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई जिसमें काम करते हैं 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और GG5 की प्रोटेक्शन भी इसके डिस्प्ले में दी गई है। पोको ने इसके डिस्प्ले को बेस्ट बनाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जिससे मल्टीमीडिया लवर्स को इसके डिस्प्ले में मल्टीमीडिया वॉच करने में काफी मजा आएगा। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई जो सपोर्ट करती है 67 वाट के फास्ट चार्जर को जो इस डिवाइस को 1 घंटा के अंदर फुल चार्ज भी कर देगा। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर दिया गया जो एक 6 NM बेस्ड प्रोसेसर जिसका एंट्री स्कोर 3,80,000 के नियर देखने को मिल जाता है। और आप इस प्रोसेसर को 15,000 के अंदर सबसे ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर भी मान सकते हो जिसपे आप कोई भी गेम को हाई सेटिंग पे इजीली रन कर पाओगे बिना कोई लैग फील कर पाए। और इसके कैमरा पे नज़र डालें तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसमें सैमसंग GW3 का कैमरा सेंसर लगा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया। और फ्रंट पे आपको पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है और आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसके कुछ कैमरा फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें ब्यूटी मोड, नाइट मोड, HDR, स्लो मोशन जैसे अच्छे और यूजफुल कैमरा फीचर्स भी दिए गए हैं जिसके हेल्प से आप कमाल के पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे। तो गाइस यदि आपको 15,000 के अंदर एक सुपर वैल्यू फॉर मनी 5G डिवाइस लेना तो आप इस फोन को जरूर कंसीडर कर सकते हो।